क्लाइमेक्स सीन पर खर्च किए 25 करोड़। नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं News 24x। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर फिल्म KGF चैप्टर 1 की सफलता के बाद अब ऑडियंस इस फिल्म के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साउथ फिल्मों के मशहूर एक्टर यश और संजय दत्त के अलावा इस फिल्म में अभिनेत्री रवना टंडन भी अहम भूमिका निभाएंगी। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया है, जिसे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस फिल्म को चैप्टर 1 से भी ज्यादा ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए मेकर्स ने काफी पैसे लगाए हैं। 100 करोड़ की बजट में बनी इस फिल्म में मेकर्स ने केवल क्लाइमेक्स सीन पर तकरीबन 25 करोड़ खर्च कर दिए हैं। मेकर्स की माने तो फिल्म के आखिरी 20 मिनट को लार्जर देन लाइफ बनाने में हर तरह की टेक्निक इस्तेमाल की गई है, जिसके लिए उन्होंने तकरीबन 25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। उन्हें उम्मीद है कि ऑडियंस इस आखिरी 20 मिनट को खूब इंजॉय करेगी। वहीं फिल्म से जुड़ी एक और जानकारी सामने आ रही है कि साल 2020 में जब संजय दत्त अपने कैंसर का इलाज करा रहे थे, पूरी यूनिट डरी हुई थी, जिसके बाद मेकर्स ने फाइट सीन को ग्रीन क्रोमा पर शूट करने का फैसला किया था, लेकिन संजय दत्त ने क्रोमा शूट करने से इनकार कर दिया और उन्होंने मेकर्स को आश्वासन दिया कि वे जल्द ही इसे रियल तरीके से शूट करेंगे। आखिरकार उन्होंने खतरनाक स्टंट में जोखिम लिया और बिना बॉडी डबल के खुद ही सारे स्टंट पूरे किए। तकरीबन 500 जूनियर आर्टिस्ट के बीच हैदराबाद में उन्होंने 7 दिनों में इस क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग पूरी की। बता दें, यह फिल्म 14 अप्रैल को देश के सारे सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24x।